नमस्कार, ए न्यूज टुडे की टीम आ चुकी है आज लोकनगर स्थित क्षेत्र में, और जो कि सदर विधानसभा के विधायक पंकज गुप्ता के अंडर में ये रोड आती है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा कि रोड की स्थिति एक बार दिखाएं कि काफ़ी समय से ये रोड 10 साल करीब करीब हो रहे हैं और आज तक ये रोड नहीं बन पाई। यहाँ की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे हम समस्या के बारे में भी जानेंगे। और जैसा कि सुनने में आया है, हमें ये पड़ताल में निकल के आया है कि ये रोड पास हो चुकी है और 2 महीने पहले करीब यहाँ पर जो नाले की पुलिया का कार्य था वो भी किया जा चुका था, लेकिन कुछ कारणवश से 2 महीने से वो कार्य भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और बरसात का टाइम चल रहा है, ये एक ऐसा समय होता है कि बरसात के समय में यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोगों के एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जनता है जो यहाँ पर काफ़ी त्रस्त है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा राजकुमार नाम। ये जो लोकनगर की रोड है, इससे ये बहुत समय से बनी नहीं है, इससे क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या भाई जी यहाँ ये है कि रात दिन आदमी का एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल से गिरता है, बच्चे छुटा जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं, यही सब लीला चल रही है। तो जो यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड की समस्याएं हो रही हैं, अभी तक यहाँ के विधायक या किसी भी प्रतिनिधि ने या फिर नगरपालिका ने किसी तरीके का कोई कार्य नहीं किया? कार्य का ही यहाँ देख तो रहे हो, आप तो देख रहे हो कार्य का हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि काफ़ी समय हो चुके हैं और रोड पर किसी तरीके का कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये रोड पास हो चुकी है, लेकिन अभी भी कार यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार राठौर। आपको इस रोड पे काफ़ी समय हो गया, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? हम ठेला देखो सामने खड़ा है, वो लगाते हैं तो रोड बहुत खराब है, तो गाड़ा चलता नहीं है, वो टूट जाता है, पंचर हो जाता है सब। अच्छा, गाड़ियाँ वगैरह पंचर हो जाती है, और कभी एक्सीडेंट वगैरह के भी केसेस हुए हैं आपके? हाँ, एक्सीडेंट हुए हैं सामने हमें। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है कि लोगों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कीचड़ हो जाता है, और हमारे साथ में कुछ ऐसे व्यापारी गण भी हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो हमारे साथ में कुछ दो लोग हैं जिनकी शॉप्स हैं यहाँ पर, मोबाइल शॉप्स हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है, और लोग जो हैं यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं माल लेकर, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रोड पर आप देख सकते हैं कि जो जानवर भी हैं वो भी इस रोड पे प्रॉपरली निकलते रहते हैं, तो उनसे भी काफ़ी गंदगी फैलती है, उसकी भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से नहीं की गई है। तो ये मैं चलता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? संदीप राठौर। संदीप जी, इस रोड की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, रोड ये काफ़ी दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोगों की दुकानदारी में भी फ़र्क पड़ता है, और यहाँ आवागमन भी कम हो गया इसी वजह से, और गड्ढे सारे खूब सारे हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, तो इस समय बहुत रोडों से बड़ी दिक्कत है, इसलिए दुकानदारी में हम लोगों को बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये जो रोड की समस्या है, इस समस्या को लेकर कभी आप अपने जनप्रतिनिधि या फिर नगरपालिका में या लोगों के साथ में आप लोगों ने कोई इसके लिए सूचना रूप में एप्लीकेशन वगैरह कहीं पर लगाई? नहीं, एप्लीकेशन नहीं लगाई, काम चालू हो गया था और 1 महीने से रुका पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, नाला वाला बना था उसके बाद काम रुका पड़ा है। मतलब आपका ये कहना है कि रोड का पास हो चुका था और नाले का कार्य पहले चल रहा था, लेकिन जो 1 महीने से करीबन 2 महीने से जो सुनने में आ रहा है वो भी रुका हुआ है, तो बहुत तरीके की दिक्कतें महसूस होती हैं। अगर आपसे ये मैं कहूँ कि आप आगे शासन से क्या गुजारिश करना चाहेंगे इसके लिए? यही कहना चाहते हैं जल्दी से रोड बन जाए और हम लोगों को परेशानी जो हो रही है उससे हल मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जनता जो थी वो पूर्ण रूप से त्रस्त है, और ये लोकनगर की रोड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और ये भी आगाह करना चाहता हूँ शासन को कि नगरपालिका और शासन इस रोड को बनवाने के लिए जो भी दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द सोल्यूशन उनका निकाले। और जैसा कि लोगों ने कहा भी कि ये रोड पास हो चुकी है, नाले का कार्य चल रहा था वो भी बंद है, और रोड की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर है, यहाँ पर जो भी आवागमन है पूरी तरीके से बाधित है, जो बाइक वाले और साइकिल वाले और जो भी पैदल लोग निकलते हैं उन सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम शासन से यही गुजारिश करेंगे कि शासन इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द सही करवाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपकी जो रोड की स्थिति थी उससे मैंने आपको रूबरू कराया, और मैं इस समय ठीक खड़ा हूँ क्रॉसिंग के जस्ट बगल में, और जो मेरे पीछे पत्थर लगा हुआ है मैं इसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। ये मार्ग है 15वां वित्त आयोग योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22
छोटा चौराहा लोकनगर पुराना सफीपुर मार्ग का निर्माण कार्य का शिलान्यास। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप सभी ने अभी तक जो रिपोर्टिंग हमारी देखी उस पर देखा होगा कि लोगों ने ये चीज़ आपको कही थी कि इस सड़क का शिलान्यास हो चुका है और अभी तक ये सड़क, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से आपको फिर दोबारा दिखाना चाहूँगा कि एक बार कैमरे को पैन करें और दिखाएं कि ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बावजूद भी रोड का शिलान्यास हमारे डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी जी महाराज, जो कि हमारे उन्नाव के माननीय सांसद जी हैं, और श्री पंकज गुप्ता जी माननीय सदर विधायक उन्नाव के कर कमलों के द्वारा सम्पन्न हुआ, और श्रीमती उषा कटियार माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद उन्नाव। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो शिलान्यास का पत्थर है ये जस्ट आपके जो क्रॉसिंग है रेलवे की उसके बगल में लगाया गया है और यहीं से रोड स्टार्ट होकर लोकनगर के लिए आगे जाती है और उसके आगे का जो एरिया है वो PW के अंडर में आता है, जो कि रोड पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। नाली पुलिया का कार्य शुरू होने के बावजूद भी 2 महीने से ठप पड़ा हुआ है और रोड पे किसी तरीके का अभी कार्य चालू नहीं हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जितने भी शासन के लोग हैं और नगरपालिका के लोग हैं उन सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सिर्फ कागज़ों पे और सिर्फ इन शिलान्यास के पत्थरों पे रोड के क्रियाकलाप को मत दर्शाइए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, ANews Today की टीम आपसे गुजारिश करती है कि ज़मीन के स्तर पर उतर कर इन सारी समस्याओं का, जनता की समस्याओं का समाधान करें ताकि जो यहाँ की पब्लिक है, जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो आए दिन लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन सभी से इनको निदान मिल सके। मैं वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में चेतन शर्मा, ANews Today उन्नाव।